दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बेल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले, और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टूट के चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, दिवाली 2017। जी हाँ दोस्तों, पुष्प नक्षत्र में करें ये उपाय तो कभी नहीं होगी धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों धन तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, हर किसी के मन में असीमित धन, अचानक धन और अपार धन की कामना बनी ही रहती है। सभी को चाहिए कि सबके पास बहुत पैसा हो, हर कोई अमीर बनना चाहता है और इसके लिए बहुत से लोग मेहनत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, टोने टोटके आदि भी अपनाते हैं, कई बार तो कई तांत्रिकों और ज्योतिष आचार्यों के चक्कर में भी फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और विष्णु जी की पूजा की जाती है। दोस्तों इस बार दीपावली 19 अक्टूबर 2017 को यानी कि वीरवार के दिन है। दोस्तों वीरवार का दिन वैसे भी गुरु ग्रह के लिए उपयुक्त माना जाता है, शुभ माना जाता है और लक्ष्मी माता के लिए दिवाली का दिन सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि दीपावली के दिन जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की राशि में गुरु ग्रह मजबूत होंगे उनको भी कभी भी धन की कमी नहीं होगी, असीमित धन उनके पास आता ही रहता है। दोस्तों गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, पुखराज पहनते हैं और गुरुवार के दान दक्षिणा आदि करते हैं, इसके लिए पूर्णिमा के व्रत भी किए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस बार ये महासंयोग बन रहा है कि दीपावली गुरुवार के दिन है और आप इस गुरुवार के दिन गुरुदेव को यानी गुरु ग्रह को और साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपको इस बात की श्योरिटी हो जाएगी, इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आपको इस बार अपार धन की प्राप्ति होने ही वाली है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या उपाय करना है जिसकी वजह से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता दें कि साल में कुछ मौके पर आने वाला शुभ संयोग पुष्प नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस शुभ योग में की गई पूजा मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वर्षा करती हैं। मान्यता है कि दीपावली पहले पुष्प नक्षत्र में अपने आराध्य देव और कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। महाशुभ संयोग पुष्प नक्षत्र 13 अक्टूबर को सुबह 7:46 से प्रारंभ है और 14 अक्टूबर को सुबह 6:54 पर समाप्त होगा। इस दौरान आपको माता लक्ष्मी या फिर आपके इष्ट देव की पूजा आपको करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पुष्प नक्षत्र के दिन नहीं बहे नए जो होते हैं बही खाते और पेन आदि खरीदकर व्यापार प्रतिष्ठान में रखने चाहिए। इस दिन आप सोने चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं, घर में नहीं होगी आपके कभी भी पैसों की कमी। पुष्प नक्षत्र पर एकाशी नारियल का पूजन करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। इस नारियल में
ऊपर की ओर एक आंख का एक जैसे निशान होता है दोस्तों, आंख जैसा एक निशान होता है, इसलिए इसे एकाशी नारियल कहा जाता है। इसे साक्षात देव देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर रवि पुष्प नक्षत्र के दिन एकाशी नारियल की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर में धन और वैभव का बना रहता है संयोग। पुष्प नक्षत्र में पूजा करने का विधि विधान आपको हम आज बता रहे हैं दोस्तों। आपको दोस्तों करना क्या है, स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र पहन लेने हैं। इसके बाद थाली में चंदन या फिर के कुमकुम, इसे अष्ट दल बनाकर के उस पर एक एकाशी नारियल को रख दें। अष्ट दल यदि बना पाए दोस्तों तो आप उसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं और अगरबत्ती या दीपक लगा दें। अब नारियल को गंगा जल से शुद्ध करके फूल चावल फल और प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, फल फ्रूट आदि कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही नारियल को लाल रंग की चुन्नी से ढक दे। इसके बाद नारियल को रेशमी कपड़ों से लपेट दे और उसमें पहले केसर से यह मंत्र लिखे। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री ही कली ए महालक्ष्मी सब सूरा स्वरूप एकाशीना लिखराय नम सर्वसिद्धि पुरु पुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लें दोस्तों, ओम श्री ही कली ए महालक्ष्मी सब रूपाय एकाशी नालिकराय नमः सर्वसिद्धि पुरु पुरु स्वाहा। दोस्तों मंत्र आपके लिए ही धीरे धीरे बोला गया है ताकि आपको यह पूर्णतः समझ आ सके और आप इसका पूर्णतः उच्चारण कर पाए, लिख ले कहीं पर भी। दूसरा मंत्र है दोस्तों, ओम ए ही श्री एकाशी नालिकराय नमः। यह दोस्तों छोटा मंत्र है, आप चाहें तो दोनों में से कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मंत्र एक बार फिर से सुन लें, ओम ए ही श्री एकाशी नालिकराय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। हर पंखुड़ी चढ़ाते समय इस मंत्र के उच्चारण करते रहें, यानी एक बार मंत्र पढ़े तो एक पंखुड़ी चढ़ाए, दोबारा पढ़े तो दूसरी। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी साधक की हर मनोकामना पूरी करती है, इसलिए आप अंत में अपनी मनोकामना कहना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और उसके बाद आप उसे दीपावली खत्म होने तक, यानी दीपावली 19 अक्टूबर को है, तब तक इस नारियल को अपने पूजा स्थल पर रखें और दीपावली की पूजा में भी लक्ष्मी पूजा के साथ साथ इस नारियल की पूजा करें सामान्य तरीके से। और उसके बाद इस नारियल को उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख लें अगली दीपावली तक। और अगली दीपावली को पहले ही पुष्प नक्षत्र शुरू होने से पहले ही इसे किसी जल में प्रवाहित कराएं और फिर दूसरा नारियल लेकर के इस संपूर्ण विधि दोबारा से करें। इसलिए दोस्तों यह आप विधि भूल ना जाएं या कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को दोबारा सुने और पूरी बात को आप लिख लें ताकि आप अगली बार भी, यानी अगले वर्ष भी जब आप ये प्रयोग करना चाहें तो आप इस पूरी विधि को जानते हो, कहीं आप भूल ना जाएं, कोई त्रुटि ना कर दे। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि जो हमने आपको बताया कि वीरवार और दीपावली का महासंयोग इस बार बन रहा है, इसके बारे में भी हम आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। यह वीडियो हम अगली वीडियो में ही आपको दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से कुछ साधारण से टोटके करने से आपको अनंत धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु ग्रह और माता लक्ष्मी विष्णु जी तीनों को एक साथ प्रसन्न करने का महासंयोग बन रहा है दोस्तों, केवल 50 ग्राम फिटकरी से। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों पूरी विधि किस प्रकार से करना है, क्या करना है और कब करना है। यदि कोई मंत्र का जाप करना है तो कौन से मंत्र का जाप करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखना होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना होगा ताकि हम आपके लिए वो वीडियो ला सकें और आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सके।
तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे हमें इजाजत, धन्यवाद, और कमेंट में लिखते रहें जय बजरंगबली।